बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3, उसके टाइप 3 को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप टाइप 3 देखें तो आपके पास टाइप 3 कौन सी थी? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या थी आपके पास? ए एक्स के प्लस 1 बाई एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है एंड 11 है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन के सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। आप देखें तो ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि x की पावर 4 है, 4 के आपके पास हाफ क्या होता है? 2। तो आपने x 2 के साथ डिवाइड कर देना है अपनी इस फुल इक्वेशन से। तो जब x 2 के साथ आपने डिवाइड किया, x 4 के नीचे भी x 2, x क्यूब के नीचे भी x 2, x स्क्वायर के नीचे भी x स्क्वायर, x के नीचे भी x स्क्वायर और इस टर्म के साथ नीचे भी x स्क्वायर। यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 2 इसके साथ कट गया, पीछे 2 रह गया, पीछे 1 रह गया, पीछे 0 रह गया, यहाँ अब नीचे 1 रह गया और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा रीग्रुपिंग करनी है इसकी। रीग्रुपिंग का क्या मतलब है कि एक्स के को एक्स के साथ, एक्स वाले को एक्स के साथ और कॉन्स्टेंट को अलग-अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास रीग्रुपिंग हो जाएगी कि एक्स के को हमने 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया। सिमिलरली माइनस 2x प्लस 2 बाई एक्स को इकट्ठा लिख लिया और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखें 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के एज इट इज़ माइनस 2 कॉमन आ गया, पीछे आ गया एक्स प्लस माइनस माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी, अगर आप इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये वाली जनरल फॉर्म और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है दोनों क्या बन गई? सेम बन गई। तो ये आपके पास क्या बन गई? आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन आ गई। इसको हमने फर्दर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स माइनस 1 बाई एक्स की जो टर्म है इसको हमने लेट कर देना है कि किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। जैसे हम बाकी जो है क्वेश्चंस में करते आए हैं, यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही करना है कि आपने x माइनस 1 बाई एक्स की टर्म को किसके इक्वल ले लिया? y के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड। अगर यहाँ पे देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम ओपन कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 2ab। यहाँ पे ये कट गए, पीछे रह गया एक्स के माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, रेसिप्रोकल इक्वेशन में हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ पे ही रहने देंगे, माइनस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पीछे हमारे पास एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? वाई स्क्वायर माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आई वाई। तो हम इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 का नियम दे देते हैं और यहाँ पे हम एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू एंड एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि हमने अपने इक्वेशन को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, और एक्स माइनस वन बाय एक्स हमारे पास वाई के इक्वल है, माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये प्लस टू माइनस टू के साथ कट हो गया, पीछे रह गया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने वाई को, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर वाई भी ज़ीरो के इक्वल है एंड वाई माइनस टू भी ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई ज़ीरो और यहाँ वाई की वैल्यू आ गई टू। हमने स्टार्टिंग में अपने पास एक्स माइनस वन बाई एक्स को वाई के इक्वल पुट किया था, तो अगेन हम वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर भी एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू टू। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे वन है वही एलसीएम ले लेंगे, एक्स आ गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स के माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स के माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वहाँ पे जाके ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ज़ीरो आ गया। यहाँ पे एक्स के इज इक्वल्स टू वन आ गया। अब इस साइड को भी हम सोल्व कर लेते हैं, सिमिलरली एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा एक्स के, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स के माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। यहाँ पे ये उसके उधर जाके इस साइड को भी हमने सोल्व किया, नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो एक्स के माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो बन गया। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी जो फर्दर मोर आपके पास हैं तरीके उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। यहाँ पे आप सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो नहीं बन सकते, जब फैक्टर नहीं बन सकते तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। यहाँ पे ए हमारे पास वन है, बी माइनस टू, सी माइनस वन। पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को, माइनस माइनस टू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर वन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू वन। एक्स इज इक्वल्स टू टू, फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अब ऊपर कॉमन आ रहा है टू, टू को कॉमन ले लिया, वन प्लस माइनस अंडर द रूट टू डिवाइडेड बाय टू, ये टू टू से कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई वन प्लस माइनस अंडर द रूट टू। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, प्लस माइनस वन, वन प्लस माइनस अंडर द रूट टू, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है।